अब कनाडा में माहौल बहुत खराब है अपनी लड़कियों को कनाडा मत भेजो शी इज लाइक निकल जा मेरे घर से मतलब पहली बार किसी ने मुझे ऐसे रास्ता दिखाया ना बोला कि मेरे घर से निकल जाए अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं लेकिन यहाँ पे आपका फायदा उठाने वाले आपको ज्यादा मिलेंगी लड़कियां भी यहाँ पे फायदा उठाएंगी हे एवरीवन वेलकम टू सेंडी टॉक्स कनाडा आई होप आप सब ठीक होंगे सो so, मुझे कैनेडा में आए हुए सात साल हो गए हैं दो में अट्ठाईस अगस्त को मैं यहाँ पे आई थी और इस साल मुझे अगस्त में ऑलमोस्ट सेवन इयर्स हो गए हैं तो इन सात सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा मतलब आप कह लीजिए कि इतने उतार चढ़ाव आए आपको पता है एक स्टूडेंट आता है पता नहीं कैसे कैसे लोन वगैरह ले ले के उसके बाद कैसे कैसे लोगों को मैं मिली मैंने अपनी जर्नी में भी शेयर किया था फ़र्स्ट थर्टी डेज़ वर्स्ट थर्टी डेज़ इन कैनेडा इनिशियल स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था लेकिन एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे मेरी हिम्मत ही नहीं हुई आप लोगों के साथ शेयर करने की और वो बहुत बुरा हुआ था मेरे साथ स्टार्टिंग के टाइम पे कुछ बुरी चीज़ें मैंने शेयर भी की हैं लेकिन उससे भी ज़्यादा बुरा हुआ था लेकिन सम uh, हाउ मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं थी कैमरे के ऊपर उसके बारे में बोलने के लिए लेकिन अब जब मुझे मैसेजेस आए हैं कुछ ऐसी लड़कियों के जिनके साथ ऐसा ही हुआ है तो मुझे लगा कि नहीं नाउ इज़ द टाइम टू स्पीक अप किसी और की हेल्प हो जाएगी और uh, दूसरा रीज़न ये है कि अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक अंकल थे uh, बुज़ुर्ग अंकल थे वो अपना शेयर कर रहे थे इन्फॉर्मेशन किसी टीवी

उन्होंने बोला कि नहीं भाई तो शेयर कर तो इस सेवन ईयर कंप्लीशन में मैं आपके साथ वो एक ऐसा इंसिडेंट शेयर करने वाली हूँ जिसने मुझे बहुत इम्पैक्ट किया था एंड uh, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर उस स्टूडेंट के लिए जो अकेला यहां पे आ रहा है जानना सो so, बहुत से पेरेंट्स मेरी वीडियो देखते हैं चाहे आपकी लड़की अकेली आ रही है चाहे आपका लड़का अकेला आ रहा है नॉट जस्ट दिस चाहे वो रिश्तेदारों के पास आ रहे हैं स्पेसिफिकली अगर वो रिश्तेदारों के पास आ रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखना आपकी इससे बहुत हेल्प होगी थ्रू माई पर्सनल एक्सपीरियंस बिफोर वी प्रोसीडर स्पॉन्सरिंग कुछ नहीं बचता में पे काम करना चाहिए अगर साइड हसल के लिए भी आपके पास टाइम नहीं बच रहा है तो कम से कम अपना जो है हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट तो खुलवा लो इन्वेस्टिंग स्टार्ट तो कर लो यार अगर आप दस हजार डॉलर भी अपने जमा कराते हो में, तो आपको साढ़े बारह डॉलर तो पर वीक इंटरेस्ट ही आता रहेगा और इंटरेस्ट कम से कम आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा वो बस आपका अन इन्वेस्टेड कैश है एज अ डिविडेंट एक शेयर के बदले में और आपने सौ शेयर खरीद रखे हैं तो आपका सेवेंटी नाइन डॉलर क्वार्टरली बात करें तो हर तीन महीने बाद आपको सेवेंटी नाइन डॉलर आ जाएंगे बिना कुछ किए हुए जितनी ज्यादा आपके डिविडेंड स्टॉक्स होंगे उतनी आपकी पैसिव इनकम होगी और सबसे अच्छी चीज मोमो में जो पेइंग डिविडेंड स्टॉक्स हैं वो रैंकिंग उनकी दिख जाएगी साथ में उनकी पे आउट डेट कौन सी है वो पता लग जाएगी जो कि आपकी रिसर्च के लिए बहुत अच्छी है और अगर आप मेरा लिंक यूज करते हैं उसके थ्रू साइन अप करते हैं तो आपको बोनस मिलेगा अपटू ट्वेंटी टू हंड्रेड डॉलर मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर देती हूँ मुझे कुछ महीने हो गए इस अकाउंट को यूज करते हुए मोमो के साथ मुझे वेलकम बोनस भी मिला था आपको भी वेलकम बोनस मिलेगा एंड डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट यू डिपोजट यू गेट मोर बोनस और आप जल्दी से जल्दी साइन अप कर लें क्योंकि लिमिटेड टाइम डील है सो डोंट मिस दिस आउट चेकआउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन नाउ लेट्स मूव आउट व तो so, कहानी है 2017 अगस्त में जैसे मैं यहाँ पे आई मैंने अब पहले भी बताया कि मैं किसी को जानती नहीं थी लेकिन स्टार्टिंग के टाइम पे मैं कहीं पे रुकी थी एक हफ़्ता एक हफ्ते से दो चार दिन ऊपर मतलब पाँच दस दिन लगा लीजिए और वो थे मेरे किसी फ्रेंड के नॉन उनके यहाँ जिस दिन मैं वहाँ पर पहुँचती हूँ तो उसी दिन से थोड़ा सा माहौल ऐसा था कि वहाँ पे एक आंटी रहती थी और उनकी सास रहती थी दो लेडीज़ और जो उनके हस्बैंड थे वो इंडिया गए हुए थे उस टाइम पे और जैसे मैं वहाँ पे पहुंची तो वैसी नॉर्मल सी वाइब थी कोई ऐसी नहीं कि वेलकमिंग वाइब नहीं थी एंड देन यू नो थिंग्स थिंग डिफरेंट टर्न उस टाइम पे उन्होंने जो मुझे बोला ना वो आज भी मेरे दिमाग में है नॉट जस्ट दिस उसके बाद बहुत सी चीजें हुई उस पर भी जंप करेंगे उन्होंने बोला कि यार तुम्हें किसने से ला दे दी क्या ने कहा की तुम्हारे पास तो अच्छी खासी जॉब थी मतलब मतलब ऐसा पहले मुझे लगा कि नॉर्मली बोल रहे हैं है ना एक बंदा जो पहले दिन ही आया जॉब जॉब छोड़ के लोन उठा के आप ऑलरेडी कनाडा में हो तो मुझे तब तो बड़ा बुरा सा फील हुआ मैंने कहा कि यार शायद वैसे ही बोल रहे होंगे फिर मुझे लगा कि नहीं भाई ये तो ताना टाइप है जब मुझे थोड़ा सा समझ में आई चीज जैसे वो बात कर रहे थे तो मुझे तब बहुत बुरा लगा कि यार इसको किसने बता दिया तो मैं किसी ने गाइड कर दिया कि तुम यहाँ पे आओ तुम्हारी तो जॉब थी अच्छी खासी क्योंकि वो खुद अपनी जॉब छोड़ के वहाँ पे आई थी और अब भी वो यहीं पे है वो कहीं नहीं गए और uh, मतलब उन्होंने अब और भी बड़ा घर ले लिया है टाइप्स जो भी है ना अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं तो फिर मुझे लगा कि यहाँ ऐसे लोग होते हैं ना जो खुद सेटल अपनी लाइफ में खुद यहां से कहीं नहीं जाएंगे खुद ग्रो भी करेंगे चाहे कुछ मर्जी हो जाए कनाडा में वो कनाडा को छोड़ के नहीं जाएंगे लेकिन आपको बोलेंगे कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी आने की या फिर अगर आप उनसे सलाह भी लोगे ना पूछने के लिए कि हम आए या ना आए तो आपको जरूर बोलेंगे मत आओ सो so, मेरे हिसाब से एनी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे प्रोज एंड कॉन्स हर कंट्री के होते हैं वहां से चीजें स्टार्ट हुई फिर उन्होंने मुझे हर चीज पे टोका टाकी करना मतलब टाइप्स शुरू किया है ना कि नहाने के लिए चले गए तो पानी वाले तो बड़ा पानी यूज करती है टाइप है ना मैं ऊपर रूम में बैठी हूँ ना अकेले तो जो आंटी है उन्होंने बच्चों को भेजना उनके जो दादी थी उनकी लगती थी कि उसे देख कर आओ ऊपर वो क्या कर रही है ऊपर अकेले तो उन्होंने मुझे बोलना दादी नीचे बुला रही नीचे आ जाओ तो मैं फिर वहीं बैठ जाती थी जहाँ वो बुलाते थे ना मुझे कि चलो नीचे जाके बैठ जाते हैं मतलब ऐसा भी नहीं है जहाँ आप बैठना चाह रहे हो वहाँ बैठ के जहाँ वो बोल रहे हैं उनकी मतलब ऐसे मुझे लगा कि शायद शक कर रहे हैं कि भाई कहाँ बैठे तो मुझे अजीब सी वाई बने लगी थी वहाँ पे तो अभी भी मुझे सोचते हुए अजीब सा लग रहा है कि मतलब खाना जैसे है ना हम तीन बार खाना खाते हैं हमारे घर में तो तीन बार ही खाते हैं। कुछ लोग खाते होंगे दो बार तो कैनेडा में ऐसा क्या उन्होंने खाना मतलब ग्यारह बारह बजे करना तो भूख भी लगनी फिर बैठे रहना ऐसे भूखे टाइप है ना फिर ग्यारह बजे कोई चाय वाई मिलनी चाय के साथ कुछ ले लिया और कोशिश भी करनी उनकी हेल्प कराने की बट वो, तो वो किचन में नहीं जाने देते थे कि नहीं हम खुद ही कर लेंगे तो वो भी थोड़ा अजीब सा फील होना कि यार वो भी नहीं करने दे रहे फिर मुझे लग गया था कि अब यहाँ रहना नहीं है तो फिर मैंने कोशिश की कि मैं कहीं और घर लेती हूँ वहां से मेरे लिए निकलना बहुत मुश्किल था क्योंकि ये चीज मैं किसी को बता नहीं सकती थी और ऐसे ही आके बच्चे फंस जाते हैं क्यों अब अगर मैं फ्रेंड को बताती हूँ उसका रिलेशन ख़राब होगा जिसके नोन के यहाँ में आई हूँ अगर मैं उनको कुछ बोलती हूँ तो उनके साथ मेरा रिलेशन खराब होगा ऐसे ही बच्चों के साथ होता है जो पेरेंट्स कहते हैं ना कि रिश्तेदारों के यहाँ भेज दो आपको नहीं पता यहाँ पे उनके साथ क्या हो रहा है छोटी छोटी चीज़ें मुझे एक लड़की का कॉल भी आया था वो तो अपनी रियल सिस्टर के पास आई थी उसके रियल सिस्टर के पास उसने मुझे फ़ोन किया मैसेज किया दीदी मुझे बात करनी है मैं फंस गई हूँ यहाँ से मैं कैसे निकलूँ सो so, निकलना बहुत मुश्किल होता है यार सो so, मैंने भी हिम्मत करके जो भैया थे वो बहुत अच्छे थे ठीक है जब तक वो इंडिया से वापस आई उनको नहीं पता था कि पीछे ये सब क्या हो रहा है ये क्या कर रही हैं आंटियाँ मिल क्या खिचड़ी पक रही है और मैं तब तक तो बहुत बुरा हाल हो गया था रोती रहती थी कोई जॉब नहीं थी कोई कुछ नहीं था दस दिन ही निकालने मुश्किल हो गए थे तो उनको मैंने बहाने से यही बोला कि भाई मुझे शिफ्ट करना है मेरी फ्रेंड मिल गई है तो अब मैं बताती हूँ एक्चुअल क्या हुआ उस दिन उस दिन एक्चुअल बम फूटा था तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है अब निकलते हैं मैंने सामान वामान पैक किया और भैया को बोला कि यहाँ पे जो मैंने किसी चीज से रूम ढूंढा था कि यहाँ पे मुझे छोड़ा हो तो उन्होंने साथ में ही था कोई दस मिनट की ड्राइव थी तो मैंने कहा चलो जाते हुए फिर भी सॉरी बोल के चली जाती हूँ अगर मुझसे भी कोई गलती होगी तो फिर भी चलो बड़े हैं है ना तो मैं उनके रूम में गई मैंने हाथ जोड़े मैंने कहा ठीक है आंटी जी मैं चलती हूँ और कोई गलती हुई हो तो माफ करना like, ja मेरे घर से मतलब पहली बार किसी ने मुझे ऐसे रास्ता दिखाया ना बोला कि मेरे घर से निकल जा वो वो चीज मुझे बहुत फील हुई थी मुझे लगा कि यार मैंने ऐसा क्या कर दिया है ना तो वो चीज थी और यही रीज़न था कि मुझे लगा कि बाकी लोगों के साथ भी ऐसा होता है वो तो इस हद तक पहुंच गया था जब मुझे उन्होंने घर से निकाला कि क्यों आई तू हमारे घर में आई ही क्यों सो एनी वेज दैट वॉज नॉट इनफ फॉर माई स्टोरी है ना ऐसी ऐसी सिचुएशन के बाद मैं उस घर से निकली और उसके बाद जिन लड़कियों के साथ मैं जाके रही उन्होंने और मेरा जीना जुशवाड़ कर दिया था वो मैंने अपनी फाइव ईयर जर्नी वाली में डिटेल में बताया है कैसे उन्होंने मुझे एग्रीमेंट पे नाम लिखवा लिया कैसे उन्होंने मतलब शोर मचाना जब मेरी इंटरव्यू होनी और मतलब हम कई लड़कियां मिलके रहते थे तो सारी लड़कियां एक तरफ मैं अकेली एक तरफ पिज्जा ऑर्डर किया है सारे खा रहे हैं लेकिन मुझे पूछा भी नहीं हालांकि ये छोटी सी चीज़ है लेकिन ये बहुत मैटर करती है जब कोई नया बच्चा आता है जब उसको साइड आउट कर दिया जाता है जो पहले से स्टूडेंट्स रह रहे हैं और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है आपको छोटी लगेगी लेकिन ये मेंटली बहुत असर करती है तो इस वजह से बच्चों के साथ टच में रहना पेरेंट्स का और बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ टच में रहना फ्रेंड्स के साथ बातें करते रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जब आपका बच्चा आपको बताए कि मुझे यहाँ से मूव आउट करना है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड देम है ना कि क्या प्रॉब्लम हो रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा भी आपको पता है मैंने शेयर किया था कि रेसिज्म मेरे साथ हुआ पुलिस वाला इंसिडेंट जब पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया था उसके बाद बस में जाना नए नए होते हो तो बस में रस्ते नहीं पता लगते गलत बस पकड़ ली कहीं अंधेरे में उतर गई वहां डर रही हूँ रो रही हूं, खड़ी होकर कोई रास्ता दिखा दे फिर हालांकि भगवान की तरफ से कोई आया जिसने मुझे रास्ता दिखाया और वो मुझे गुरुद्वारे तक छोड़ के आए तो अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है कैनेडा में मैं ये नहीं बोलूंगी बहुत अच्छे लोग भी मिले हैं लेकिन पूरे एक्सपीरियंस से हमेशा हम कुछ सीखते हैं कुछ लर्निंग हमें ती है एक ऐसा इंसिडेंट भी था जिसमें मैंने बताया था कि मैं रेजमे बांटने जा रही हूँ रेजमे दे रही हूँ और वो मैनेजर उसी रेजमे से फोन नंबर लेके मुझे फोन कर रहा है और कह रहा है कि भाई हमारे पास जॉब तो नहीं है आप मेरे साथ फ्रेंडशिप कर लो ये मैंने बात पहले बताई हुई है तो ये इसलिए दोबारा बता रही हूँ अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तो ऐसी चीज़ें भी होंगी है ना तो आपको अपना अपने आप को प्रिपेयर होके आना ऐसे शौक नहीं यहाँ पे लगना चाहिए कि यार ये क्या हो रहा है अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं लेकिन यहाँ पे आपका फायदा उठाने वाले आपको ज्यादा मिलेंगी लड़कियां भी यहाँ पे फायदा उठाएंगी आपका बहुत सी लड़कियों ने बहुत ज्यादा परेशान किया मुझे जैसे मैंने आपको पहले बताया है एक लड़की के घर के बाहर मैं खड़ी हुई थी और वो घर पे ही थी मैंने उसको पूछा कहाँ पे और उसके घर के बाहरी बस स्टैंड था और इतनी ज्यादा स्नो पड़ रही है मेरी बस मिस हो गई अगली बस नहीं दिखा रही मैं आधा घंटे तक बाहर खड़ी रही उसके घर पे जाके नॉक किया उसने बोला कि मैं अंदर तो हूँ लेकिन मैं गेट नहीं खोल सकती क्योंकि मेरे यहाँ को आया हुआ है मतलब उस लड़की ने मुझे अब मैसेज किया कि सैंडी डू यू रिमेंबर मी यस आई रिमेंबर यू बट मैंने उससे ज्यादा बात नहीं की क्योंकि देखो दिन सबके आते हैं ना उस टाइम पे वो ऐसे मेरे साथ ट्रीट करते थे और इस टाइम पे मुझे मैसेज कर करके बता रहे हैं कि क्या तुम्हें याद है हम तुम्हारे साथ रहते थे हम तुम्हें मिले थे पाँच साल पहले तुम एडमिंटन में थी तो देखो दिन बदलने में कोई टाइम नहीं लगेगा तो मेहनत करनी जरूरी है बुरे लोगों से बचना जरूरी है जो भी मैंने इंसिडेंट बताए हैं जहाँ मुझे बुरा लगा मैं निकल गई वहाँ से मुझे घर और वो इन्वायरमेंट अच्छा नहीं लगा उनके रुकी थी मैं निकल गई लड़कियों ने परेशान किया मैं वहां से निकल गई ठीक है आगे और दिक्कतें आई वो कोई जॉब के लिए मुझे फालतू परेशान कर रहा है उसको बोला कि नंबर ब्लॉक मारा और काम खत्म फालतू पंगे में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है लड़कियों को मैं स्पेशली बोलूंगी स्ट्रॉन्ग रहो अपना ज़्यादा एक्सेस किसी को मत दो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो चीजें अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ शेयर करो चीजें लड़कों के साथ भी यही है मैंने एक वीडियो भी डाली हुई है लड़के की जिसके अपने रिश्तेदारों ने उसके जी के पैसे लूट लिए थे तो ऐसे भी बहुत से इंसिडेंट रिश्तेदार हेल्प भी बहुत करते हैं लेकिन इट्स बेटर टू सेफ देन सॉरी राइट अगर आपके साथ भी ऐसी कोई स्टोरी है तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखना आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना आप मुझे इंस्टाग्राम टिकटॉक और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरी आईडी है सेंडी टॉक्स कैनडा बाकी दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मिलते हैं अगली वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय